करती हूँ सब बढ़िया होगी और मजे में होंगे। एंड वेलकम बैक टू मिस्टिफाइड एपिटाइट। तो आज हम होममेड चॉकलेट्स बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली चॉकलेट सबको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, मुझे भी है, बस मुझे डार्क चॉकलेट्स पसंद है। तो बस जल्दी से हमारे किचन की तरफ चलते हैं, हमारी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। और जो हम चॉकलेट्स बनाने वाले हैं वो हम डेट्स और आलमंड्स को लेकर बनाने वाले हैं। तो बस जल्दी से हमारी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर हमारे रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो चॉकलेट्स बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें लगेगी। सबसे पहले तो हमें डार्क कंपाउंड चॉकलेट लगेगा। मैंने यहाँ पे मॉड का डार्क कंपाउंड इस्तेमाल किया है। अगर आपको डार्क चॉकलेट नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर 50-50 डार्क और 50 मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हो। एक कांच का बाउल लगेगा और ये यहाँ पर मैंने डेट्स और आलमंड्स लिए हैं। तो आपको डेट्स और आलमंड की क्वांटिटी इक्वल लेनी है। अगर आप 20 खजूर ले रहे हो तो आपको 20 बादाम लेने हैं। तो ये मैंने इक्वल क्वांटिटी ली है खजूर और बादाम की। अभी सबसे पहले जो बादाम है इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हम ये बादाम को मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट तक अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए बादाम को मैंने अच्छे से 5-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अभी ये जो खजूर है इसका हमें ये एंड निकालना है और एक खजूर के अंदर हमें एक स्लिट लगानी है। हमें जो स्लिट है वो एक ही साइड से लगाना है और इसमें का सीड निकालना है हमें, और ये सीड को हमें बादाम से रिप्लेस करना है और ये खजूर को हमें अच्छे से बंद करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। खजूर का हमें एंड निकालना है, इसमें हमें एक स्लिट लगाना है, स्लिट बस एक ही साइड से लगाना है, इसमें का हमें सीड निकालना है बाहर और ये सीड को हमें बादाम से रिप्लेस करना है और ये खजूर को हमें अच्छे से बंद करना है। तो मैं ऐसे ही बाकी के भी खजूर रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हमें बस सीड निकाल कर इसे बादाम से रिप्लेस करना है। तो ये देखिए मेरे सब खजूर रेडी है। अब ये प्लेट को या खजूर को हम फ्रीज़र में रखेंगे 15 मिनट तक, अच्छे से इसे फ्रीज़ करेंगे 15 मिनट्स तक। और मैंने थोड़े से बादाम को चॉप कर लिया है, ये हम ऊपर से गार्निश करेंगे। अभी हम जो डार्क चॉकलेट है उसे मेल्ट कर लेते हैं, जो कंपाउंड चॉकलेट है वो। तो मैं कांच के बाउल में अराउंड 150 ग्राम्स मैंने चॉकलेट लिए, डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अभी ये चॉकलेट को हम डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे। तो मैंने एक बड़े बर्तन में पानी बॉईल करने रखा है। तो ये देख सकते हो पानी बॉईल हो गया है। अभी कांच का बाउल हम ये पानी में प्लेस करेंगे और ये चॉकलेट को हमें मेल्ट करनी है। तो आप ऐसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर सकते हो या तो फिर आप माइक्रोवेव में चॉकलेट को 45 सेकंड्स के लिए रख सकते हो, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अभी हम ये इसे गैस पे से उतार देते हैं। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट को गैस पे से उतार दिया है और साथ ही हमने जो खजूर 15 मिनट तक फ्रीज़र में रखे थे वो भी मैंने बाहर निकाले हैं। अभी ये खजूर हमने फ्रीज़र में इसीलिए रखे थे ताकि हम जब इसे चॉकलेट में डालें तो ये चॉकलेट अच्छे से कोट हो जाए खजूर पर। तो अब ये खजूर को हमें चॉकलेट में डालना है और चॉकलेट को अच्छे से कोट करना है खजूर पर। तो देखिए खजूर को हमने चॉकलेट से अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे बाहर निकालते हैं और इसके ऊपर जो हमने चॉप्ड आलमंड रखे थे वो हम इस पर डालेंगे। आप चाहे तो आलमंड फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चॉकलेट को हम 5 मिनट तक अच्छे से सेट होने देंगे और फिर इसे प्लेट में निकालेंगे। तो बस देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। ऐसे हम बाकी के भी खजूर को कोट करेंगे। बस इसे प्लेट में निकालने से पहले आप 5 मिनट तक सेट होने दीजिए स्पून पे, फिर आप इसे प्लेट में निकालें। ये तो हमने अब स्पून से किया था। अब मैं आपको और एक ट्रिक दिखाती हूँ, आप टूथपिक कैसे खजूर में इंसर्ट करके फिर इसे चॉकलेट में इसे डिप कर सकते हो। इसे चॉकलेट से अच्छे से कोट करना है हमें। तो देखिए अभी हमने ये खजूर को अच्छे से चॉकलेट से कोट कर लिया। अब इसके ऊपर चॉप्ड आलमंड्स डालेंगे हम और इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे और फिर प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही ईजी है इसे चॉकलेट को कोट करना। आप टूथपिक या फिर फोक भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं बाकी के भी खजूर को कोट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सब खजूर को चॉकलेट से कोट कर लिया है। अब इसे हम नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे तक और इसे अच्छे से सेट होने देंगे।
तो ये देखिए आधे घंटे बाद ये चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो गए हैं। अब मैं इसे फ्रिज में से बाहर निकाल लेती हूँ और इसे हम प्लेट पे से निकालेंगे। इसको निकालना बहुत ही सिंपल है, आप बस ऐसे निकाल दोगे तो ये प्लेट पे से निकल आएगा बाहर। तो ये देखिए ये हमारे होममेड डेट्स एंड आलमंड चॉकलेट रेडी है। देखिए कितने प्यारे बने हैं ये, और बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। मैं आपको बस एक चॉकलेट कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको बस ये कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे लेयर्स आए, अंदर आलमंड है, खजूर है और बाहर चॉकलेट की कोटिंग है। ये बहुत ही प्यारे बने हैं और ये जितने प्यारे दिख रहे हैं ये टेस्ट में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है और आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये होममेड डेट आलमंड चॉकलेट की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे पास और भी बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है होममेड चॉकलेट को लेकर, तो मैं आगे चल के ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिया बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि मैं अगली वीडियोज़ डालूँगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तब तक अच्छे रहे, खुश रहे, खुद का अच्छे से ख्याल रखें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।